छत्तीसगढ़ की जनता की जो चिंता है, छत्तीसगढ़ की जनता की जो उम्मीदें हैं, उसको हम हमारे अभियान के द्वारा दर्शा रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, यहाँ दो ही पार्टी हैं मुख्य पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी की रणनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति है। इसके अलावा खास तौर से छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण के अलावा उनको और कोई मुद्दा नहीं है। ये एक मुद्दाहीन पार्टी है छत्तीसगढ़ में। यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, आए हैं, आएंगे, गृहमंत्री आए हैं, आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, असम के मुख्यमंत्री आए हैं, और उनके चुनावी भाषणों में सिर्फ एक ही मुद्दा है, ध्रुवीकरण की। आपको याद होगा 16 तारीख को गृहमंत्री छत्तीसगढ़ आए थे, 18 तारीख को असम के मुख्यमंत्री आए थे, और उनके चुनावी भाषणों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम भी पेश किया है। हमने शिकायत की, मैं खुद गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर लोग से मिलने, और उन्होंने नोटिस असम के मुख्यमंत्री को दिया है, जो कवर्धा में उनका भाषण था। हालांकि अब तक उन्होंने गृहमंत्री के बारे में कुछ कार्रवाई नहीं की है, पर हम उम्मीद करते हैं कि गृहमंत्री का भाषण भी उनको जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। पर ध्रुवीकरण के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, और जो दिन बाकी हैं चुनाव के लिए, अभियान के लिए, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, अलग अलग मुख्यमंत्री लोग जो आएंगे, सिर्फ इसी भावना से आएंगे, हम किसी न किसी तरह से ध्रुवीकरण को हम और प्रोत्साहन कैसे दें, हम इसका मुकाबला करेंगे, हम डरते नहीं हैं। पर मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये जो चुनावी टक्कर है, एक तरफ एक राज्य सरकार जिसकी 5 साल की उपलब्धियां हैं, और दूसरी तरफ एक राजनीतिक पार्टी जो मुद्दाहीन पार्टी है, जो सिर्फ ध्रुवीकरण में विश्वास रखती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, प्रधानमंत्री आएंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी की आलोचना तो जरूर करेंगे, पर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, मैं पीछे नहीं हटूंगा ये शब्द इस्तेमाल करने से, पार्लियामेंट में ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं, पर मैं जरूर पत्रकार सम्मेलन में ये कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं कह सकते। वो छत्तीसगढ़ आए, गृहमंत्री भी आए, और नगरनार के स्टील प्लांट, इस्पात कारखाने को लेकर उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि अक्टूबर 2020 से लेकर पिछले 2.5 साल मोदी सरकार नगरनार इस्पात कारखाने को बेचने में लगी हुई है, और आज कहते हैं इसका निजीकरण नहीं होगा, पर सबूत है। और मैंने 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का मैंने खंडन किया था कि मोदी सरकार खुद निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं बस्तर के स्टील प्लांट के निजीकरण के लिए, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज बस्तर का स्टील प्लांट है
अगर मोदी सरकार को मौका मिले तो भिलाई स्टील प्लांट का भी निजीकरण वो करेंगे। कल प्रधानमंत्री दुर्ग पधारने वाले हैं, इसीलिए मैंने भिलाई का मिसाल लिया। हमारे देश का उद्योगीकरण भिलाई से शुरुआत हुई थी, भाखड़ा नंगल और भिलाई से शुरुआत हुई थी। और जिस तरीके से हमारे सार्वजनिक संपत्ति है, बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, बिजली के घर हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, इनका निजीकरण हो रहा है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि किस कंपनी के पक्ष में निजीकरण हो रहा है, पर निजीकरण हो रहा है और आप लोग सब जानते हैं एक ही कंपनी खरीद रही है। ये नगरनार तो एक शुरुआत थी और आज प्रधानमंत्री कहते हैं और गृहमंत्री कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था, पर हकीकत ये है कि अक्टूबर 2020 से लेकर मोदी सरकार लगी हुई है इस प्लांट को निजीकरण करने में, और भिलाई भी है। और आपको मैं कह दूं, ये पहला मिसाल नहीं है छत्तीसगढ़ में, कोरबा में जो बालकोप का प्लांट हुआ करता था उसका निजीकरण वाजपेयी जी के जमाने में हुआ, सन 2001 या 2002 में हुआ। तो ये जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, निजीकरण की नीति है, ये छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए नहीं है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, केंद्र सरकार की नीतियों से कैसे छत्तीसगढ़ की जनता पीड़ित है। आप देखिए, सबसे ज्यादा रेलगाड़ियों का कैंसिलेशन छत्तीसगढ़ में होता है, सबसे डिले जो होता है, विलंब जो होता है ट्रेन चलाने में, वो छत्तीसगढ़ में होता है। और आप लोग सब जानते हैं क्यों, क्यों प्राथमिकता उन रेलगाड़ियों को दी जाती है जो कोयला ले जा रहा है, यानी पैसेंजर ट्रेन को महत्व नहीं, पर जो कोयला ले जा रहा है किसी निजी कंपनी के फायदे के लिए उसको आप प्राथमिकता दे रहे हैं। और उससे रायपुर में मुझे कहा गया था, रायपुर में रोज कुछ 1 लाख लोग बाहर से आते हैं, इनमें से करीब 80% रेल से आते हैं, उसमें भारी कटौती हुई है। और एक कारण ये है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें, रेल यात्रा किस तरीके से इस पर नकारात्मक असर हुआ है मोदी सरकार की नीतियों से। तो दूसरी बात जो मैंने कहा, पहली बात तो मैंने कहा कि ध्रुवीकरण के अलावा उनके पास कोई और राजनीति, चुनावी राजनीति नहीं, रणनीति नहीं है। और दूसरी बात, जो नीतियां अपनाते हैं, जो उनकी नीतियां हैं केंद्र सरकार की, वो छत्तीसगढ़ के जनता के हित में नहीं है। और मैंने आपको दो मिसाल दिए और कई मिसाल हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कई बार खत भी लिखा है, भेदभाव करना बंद कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, सभी राज्यों को एक समान समझिए, संघीय ढांचा पर आक्रमण मत कीजिए। पर आप मोदी सरकार को देखें तो जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, कर्नाटका में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, आज तक हिमाचल प्रदेश में जो भयंकर बाढ़ आया था उसको राष्ट्रीय आपदा घोषणा नहीं हुआ। तो कई ऐसे मिसाल हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान का पहला अनुच्छेद है, हम एक संघीय ढांचा, एक संघीय ढांचा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो
तो अगर आप जो जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उसके खिलाफ आप भेदभाव करते रहेंगे तो जनता जरूर चुनाव के वक्त आपको सही जवाब देगी। और छत्तीसगढ़ की जनता भी जान गई है कि अगर भरोसे की सरकार चाहिए तो कांग्रेस की सरकार होना जरूरी है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने कई गारंटी दी है, हमने वादे किए हैं, ये कागजी वादे नहीं है। हमने कर्नाटका के चुनाव में 6 गारंटी दिए और एक ही हफ्ते के अंदर सरकार बनी और एक ही हफ्ते के अंदर सारे के सारे 6 गारंटी लागू हुई। मुझे खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है। मैं छत्तीसगढ़ आपको और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पर आज से ही अब तक हमने 17 गारंटी दिए हैं और आज कई अखबारों में आपने देखा होगा ये 17 गारंटी हमारी पार्टी की ओर से जो हमने अभी तक जनता के समक्ष रखा है, पर इसमें सिर्फ 16 दिखाई दे रहे हैं, 17 नहीं। कारण यह है कि वो 17वां गारंटी आज से लागू हो गया है, इसीलिए यहां सिर्फ 16 गारंटी गिने। जो गारंटी आज से लागू हुआ है, राज्य की स्थापना दिवस से लागू हुआ है कि प्रति एकड़ 15 क्विंटल जो हम खरीदने का वादा पिछले चुनाव के समय किया था, इस चुनाव के समय हमने ये कहा है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ हम खरीदेंगे किसानों से और वो आज से लागू हुआ। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचित वर्गों के लिए हमने ये गारंटी दिए हैं। मैं सब गारंटी नहीं गिनाऊंगा पर 3 या 4 विशेष गारंटियों का मैं जिक्र करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये वादा कर रहे हैं कि जो आज गैस सिलेंडर 979 रुपया है प्रत्येक गैस सिलेंडर, 500 रुपया घटाया जाएगा और वो 500 रुपया सीधा महिला के खाते में दिया जाएगा, यानी कि 489 होगा 989 की तुलना में। और हमारे देश में सबसे कम दाम एलपीजी सिलेंडर छत्तीसगढ़ में होगा।